मकर संक्रांति के मौके पर गुजरात में पतंगबाजी की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में और यहाँ पे आप देख सकते हैं छत पे लोग जमकर पतंगबाजी का लुफ्त उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं पतंग में कन्नी को बांधकर अब पतंग उड़ाने की जो तैयारियां है वो यहाँ पे हो रही है और जब पतंग को काटी जाती है तो बोला जाता है ए लपेट, और यही एक मजा होता है मकर संक्रांति का जो अहमदाबाद के छतों पे दिखाई देता है। आसमान में लाल पीली हरी हर तरीके की पतंगे जो है वो उड़ती है और यही आवाज पूरा दिन शाम तक सुनाई देती है और हर किसी के छतों पर यही माहौल रहता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए पतंगबाजी में कितना मजा आता है? अरे बहुत आनंद का उत्सव है ये, बहुत मजा आता है। सवेरे से सब छत पे आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है पर अच्छा है, बहुत मजा आता है इसमें। कोरोना के इस टाइम में कैसा आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से आप इस त्योहार को मनाएंगे? बस वही प्रिकॉशंस थोड़े लेने पड़ते हैं पर ठीक है, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बनाई है अकॉर्डिंगली हम लोग करके अपनी जितना ज्यादा मजा ले सकते हैं उतना मजा ले रहे हैं। बिल्कुल सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से सारे लोग मजा ले रहे हैं, यहाँ तक कि जो खाने पीने का बात आती है तो खाने पीने में भी खास करके उंधिया चिक्की जैसी जो चीजें हैं वो लोग खाते हैं और पतंगबाजी का जमकर लुफ्त उठाते हैं। कैमरामैन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।